आर यू ऑल रेडी? सब तैयार है? एक सिंपल इमेजिनिंग करेंगे, उसके बाद वी विल ऑल्सो डू वन मोर एक्सरसाइज जो कि प्लांट से कनेक्शन होगा. ओके, सो सब अपनी आंखें बंद कर लें, शांतिपूर्वक ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आके कुछ बोले नहीं. आपको चाहिए आप बैठ सकते हैं, आपको चाहिए आप लेट भी सकते हैं अभी, लेकिन आई विल प्रिफर कि आप बैठ के करें क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू फॉल असली. आपको सब चीजों को एक्सपीरियंस करना है, सब चीजों का नोट करना है एक तरह से. ओके, राइट? ठीक है. सो जस्ट सब अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज, और अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए. तो आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ये तो आपकी प्रतिदिन की क्रिया है, लेकिन आज आप पहली बार अपने इस श्वास पर ध्यान दे रहे हैं. हो सकता है आपने पहले कभी मेडिटेशंस में इस पे ध्यान दिया होगा, लेकिन आज आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार से श्वास ले रहे हो, कैसे आप श्वास को अपने अंदर शरीर के अंदर ले जा रहे हैं, और जैसे ही वो शरीर के अंदर घुसती है तो किस किस जगह पे आपकी जो श्वास है वो ट्रेवल कर रही है आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आपके शरीर के अंदर हर जगह पे आपको वो हवा, वो जो श्वास है उसकी जरूरत है. तो शरीर के कण कण में, हर एक जगह, हर एक कोने में ये श्वास जो है वो जा रही. दुनिया में, हमारे जीवन में बहुत सी टेंशन्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको कहीं ना कहीं अटका कर रखती हैं, या हमको कोई ना कोई दुख पहुंचाती हैं, कोई ना कोई कष्ट पहुंचाती हैं. और अब हम वो टेंशन की तरफ ध्यान दें. ऐसे क्या टेंशन है जो आपने अपने शरीर में रखी है, किस कोने में रखी है? क्या आपके हृदय के पास है, क्या आपके मस्तक में है, क्या आपके गले में है? आप अब उसकी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ी देर को, बहुत धीरे 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 धीरे. कहाँ है मेरी टेंशन, कहाँ है वो स्ट्रेस, कहाँ है वो दर्द जो मैंने अपने शरीर में किसी कोने में, किसी ऑर्गन में छुपा के रखा है, और उसके वो ऑर्गन में होने की वजह से मुझे कुछ दर्द या बीमारी महसूस हो रही है. ये जो टेंशन है वो किस फॉर्म में है, किस तरीके से है, किस रंग में है, क्या एक ब्लॉक में है, क्या उसका कौन सा रंग है, लाल, पीला, हरा, नीला, कोई भी रंग हो सकता है. आपको अपने शरीर के बारे में पता है, और जब ये श्वास जो आपके शरीर में रहती है वो आपके शरीर को अच्छी तरह से जानती है, तो वो आपके शरीर में हर कोने में किधर आपने उस दर्द को छुपा के रखा है वो आपको वहां तक लेकर जाएगी. और जब आप वो टेंशन, वो चीज तक पहुंचते हैं, तो आप इसी श्वास के द्वारा उसको अपने शरीर से बाहर निकालेंगे. तो जस्ट ये फील करिए कि श्वास ले रहे हैं, श्वास आपके जहां पर भी आपके शरीर में टेंशन है, जहां पर भी आपके शरीर में दर्द है, दुख है, वो वहां पे जा रही है, और उस जगह से उसको अपने साथ, क्योंकि जैसे ही श्वास को आप छोड़ेंगे तो वो जो दर्द है, दुख है, टेंशन है बॉडी के अंदर, वो आपके शरीर से बाहर जा रहा है. और जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हो और जैसे जैसे आप श्वास को छोड़ रहे हो, और ये दर्द या दुख, टेंशन आपके शरीर से बाहर जा रहा है, वैसे वैसे आप ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं. तो आप जब आपने स्टार्ट किया था, हो सकता है उस समय आप बहुत उत्तेजित हो, आप पूरी तरह से अपने शरीर में ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर जा रहे हैं,
और आप रिलैक्स काम फील कर रहे हैं। सो फील काम, फील रिलैक्स। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने अपने हाथों में एक किताब को उठाया। सो इमेजिन यू आर होल्डिंग अ बुक इन योर हैंड। जब आपने ये किताब को अपने हाथ में उठाया है तो इस किताब का एक वेट है। ये वेट आपके हाथ को फील हो रहा है। तो जस्ट फील द वेट ऑफ द बुक। वो भारी है, हल्की है, 1 किलो की है, 2 किलो की है। हो सकता है आपका राइट ब्रेन आपको ये चीज इंफॉर्मेशन दे रहा हो, लेफ्ट ब्रेन, कि आपका जो किताब है बहुत भारी है या बहुत ही हल्की है। आपने उसको छुआ हुआ है, आपने हाथ में पकड़ा है, तो आपके हाथ, आपके फिंगर्स उसका टेक्सचर को फील कर सकते हैं। उसका जो कवर है, उसका पेपर है, रफ है, लाइट है, मखमली है, किस तरह का है। सो जस्ट फील द टेक्सचर इन योर हैंड्स ऑफ द बुक। किस तरह की किताब है वो? पेपर बुक है, पेपर बैक है, हार्ड बुक है, क्राफ्ट बुक है, गत्ता है उसका, या एक सिंपल सा पेपर है आगे की तरफ? क्या साइज है? A4 साइज है, A3 साइज है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटी किताब है, एक नोटबुक है, हो सकता है एक शॉर्ट बुक हो, लॉन्ग बुक हो, किस तरह की किताब है? तो आपने वो किताब को पकड़ा हुआ है, वो किताब आपके हाथ में है, आप उसका वेट समझ सकते हैं, आप उसका टेक्सचर समझ सकते हैं, आपकी सेंसेस उत्तेजित हैं, वो समझ पा रही हैं, वो सेंस कर पा रही हैं कि किस प्रकार की किताब को आपने अपने हाथ में उठाया हुआ है। अब आप ऐसा विजुअलाइजेशन से भी सोच सकते हैं कि ये किताब पुरानी है कि नहीं है। हो सकता है आपने 2 दिन पहले ही ये किताब लाई, या ये बहुत सालों से आपके घर में ये किताब पड़ी हुई थी। आपकी दादा परदादा की है किताब, या ये आपने खरीदा है। हो सकता है आपने अपने बच्चे की किताब उठा ली। तो जो भी किताब है वो किसकी है? जस्ट सी, लुक एट द पेज। कोई हीलिंग किताब है, कोई पेपर क्राफ्ट किताब है, कोई ड्राइंग किताब है, कोई स्टोरी बुक है, किस तरह की किताब है ये? आप उसके पेपर्स को टर्न कर सकते हैं। आप फर्स्ट पेज पे हो, सेकंड पेज पे हो, थर्ड पेज पे हो, जो भी पेज पे हो, आप उस पेजेस को टर्न करो। कितने पेजेस की है? 240, 230, 100? कोई नंबर आ रहा होगा आपके दिमाग में। आपको मालूम है वो भारी है, वो तो अलग बात है, लेकिन कितने पेजेस हैं? और जब आप पेपर को टर्न कर रहे हो तो पेपर्स कैसे लग रहे हैं? नए, पुराने, फटे हुए, या एकदम क्रिस्प, क्योंकि नई किताब है? क्या कलर है उसका कवर का? आपने किताब को अच्छी तरह से देख लिया, उसको सेंस कर लिया, उसको समझ लिया। अब आप जो है वो किताब को रख सकते हैं। तो आपने वो किताब को अपने हाथ से उठाया और उसको नीचे रख दिया। जब आपने उसको नीचे रख दिया तो आपके हाथ में जो भी बोझा था उस किताब का वो चला गया। आप नो लॉन्गर उसको फील कर सकते हो। अब जो है आप धीरे धीरे अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी, जो आप बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, जिस स्थान पे बैठे हो, अब आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस वहां ला रहे हो, क्योंकि वो किताब तो आपने रख दी है।
अब वो अवेयरनेस आपकी किताब से आपके अंदर, आपके आसपास के एनवायरनमेंट सराउंडिंग पे जाएगी। तो आप अब अपना ध्यान उधर लाइए और फिर धीरे 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 अपने हाथों को हिलाइए, हाथों को, उंगलियों को, अपने पैरों के उंगलियों को, और धीरे 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 ओपन योर आईज, 1, 2, 3, 4, 5, यू आर बैक टू योर अवेयरनेस ऑफ द रूम जहां पर भी आप बैठे थे। ओके, सो ये एक सिंपल, आई होप एवरीबडी इज बैक। एक सिंपल इमेजिनेशन, देर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन क्या है, बिफोर वी कंडक्ट द जर्नी हमको थोड़ा थोड़ा अपने इमेजिनेशन पावर, विजुलाइजेशन, ये सब पे वर्क करना पड़ेगा। जब हम इस पे काम करेंगे फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। सो इस तरह से वी विल बी डूइंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ये। ओके।